हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन में हमने प्लेन मिरर कंप्लीट कर लिया था बेटा। आप देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिरर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये देखिए। दीज आर पीसीज ऑफ होलो ग्लास स्फेयर्स विच आर पॉलिश्ड ऑन वन साइड। क्या कह रहा है कि ये पीसीज ऑफ होलो ग्लास स्फेयर है बेटा। तो ये देखिए, ये माना कि मैंने मान लिया कि एक होलो ग्लास स्फेयर है। अब क्या करेंगे, इसमें से एक पीस निकालने के लिए मैंने इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद मेरे पास पीस आ गया ये वाला, और इस पीस को मैंने एक साइड से पॉलिश कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे आउटर साइड से पॉलिश करूँगा तो जो मेरे पास पीस बनेगा वो इस तरह का बनेगा, और इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। अब दूसरा देखिए भाई, अब मैंने क्या किया कि वही होलो ग्लास स्फेयर लिया और मैंने इसको ऐसे काटा और अब की बार अंदर से पॉलिश कर दिया। एक्सेप्ट डूइंग द पॉलिशिंग आउटसाइड, मैंने अंदर से किया है अब की बार। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए ये वाला पीस बन जाएगा, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इट इज़ बल्जिंग आउटवर्ड, और ये देखिए अगर इसको ऐसे देखेंगे ना, यहाँ से पॉलिश जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग आउटवर्ड है, और ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनवर्ड है। अब देखिए, अब सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो स्फेरिकल मिरर के लिए हम पढ़ते हैं। ये देखिए भाई, मैंने एक छोटा सा मिरर लिया है। ये हमारा कौन सा मिरर है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं भाई, देखिए ये जो लाइन है ना, इस पीस के मिड पॉइंट से होती हुई जो ये लाइन जा रही है ना, इस लाइन को बेटा बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और जो ये बिल्कुल मिड में जो पॉइंट है ना P, इसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। और अगर मैं इस पीस का स्फेयर कंप्लीट कर दूं, जिस होलो स्फेयर का ये पार्ट था ना बेटा, अगर उसको मैं कंप्लीट करूं, तो जो होलो स्फेयर का जो सेंटर आएगा ना, सेंटर C, उसको बोलेंगे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारे पास पोल और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों का जो मिड पॉइंट लेंगे वो होगा हमारा फोकल पॉइंट एफ। और जो ये दूरी होगी ना पी टू एफ, ये होगी हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ये देखिए भाई, ये तो हमारे पास पेरिफेरी हो गई स्फेयर की, पॉइंट पी पे ये सेंटर हो गया। तो जो ये सेंटर से जो ये इस मिरर तक की जो ये डिस्टेंस है, ये चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये तो बराबर ही होगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्फेयर। तो ये जो आर है इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो अब देखिए, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया भाई, हमारे पास पी हमारे पास क्या था बेटा, पोल ऑफ मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए, ये जो पीस है, पीस ऑफ होलो स्फेयर, मैं इस पॉइंट को अगर ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो जो ये ए बी है ना, ए बी, ये कहलाएगा बेटा अपर्चर डायमीटर ऑफ मिरर। ये जो आई कैन से जस्ट द साइज ऑफ दिस मिरर इज अपर्चर ऑफ द मिरर। एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, ये जो ए बी है ये क्या है, अपर्चर डायमीटर ऑफ मिरर। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें, आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पी क्या है, अपर्चर क्या है, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो ये देखिए बेटा, यहाँ से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। अब देखिए बेटा, अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑन स्फेरिकल मिरर। अब ये देखिए, अब पैरेलल इंसिडेंट रे बहुत तरह की होती है। एक भाई ये देखिए, यहाँ पे इसमें देखिए, इस डायग्राम में देखिए, अगर एक पैरेलल इंसिडेंट रे ऐसी हो कि जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो, और एक ऐसी हो जो दूर से आए, तो जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होगी ना, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उनको हम बोलेंगे पैरेक्जियल इंसिडेंट रेज ऑन स्फेरिकल मिरर। और जो हम टेंथ क्लास में पढ़ेंगे वो सारी की सारी पैरेक्जियल रेज ही होंगी। अब ये देखिए कि पैरेक्जियल इंसिडेंट रेज ऑन स्फेरिकल मिरर होती क्या है, इंसिडेंट रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर कॉल्ड पैरेक्जियल रे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेक्जियल रे।
ओनली पैरेक्जियल रेज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर्स विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या कहते हैं कि मान लीजिए ये मिरर है हमारे पास, कौन सा मिरर है भाई, ये कौन क्या मिरर है, हमें दिख रहा है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। अब ये देखिए, हमने इसके बीचों बीच ये हमारे पास ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके जो मिड पॉइंट पे होगा वो एफ फोकस होगा भाई। अब क्या कह रहा है कि जो पैरेक्जियल रे होंगी ना वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेंगी, ये हमेशा ध्यान रखना। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड ओनली फॉर पैरेक्जियल रे। अगर ये पैरेक्जियल नहीं होती तो ये यहाँ से कहीं से जाती। तो अब ये देखिए भाई, अब ये तो मैंने किया कॉनकेव मिरर के लिए, अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करेंगे भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये है बाहर की तरफ, रे जाए टकराने के बाद ऐसे चली गई, और टकराने के बाद जब ये ऐसे गई तो हमने जैसे इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ तो ये कहाँ से अपीयर हो रही है, फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पैरेलल जो हमारी वेरी क्लोज पैरेलल इंसिडेंट रेज है और वी कैन से जो हमारी पैरेक्जियल रेज है वे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर विल पास थ्रू फोकस और विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। अब देखिए भाई, आर आर मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज कोरस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज। ये जो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज है बेटा, ये हमारे पास जो पॉइंट है आप इनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन चार पॉइंट से रिलेटेड ही हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। अगर हमें चार पॉइंट नहीं आएंगे तो हम इमेज फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए भाई, फॉर स्फेरिकल मिरर्स देयर आर सम स्टैंडर्ड पैरेक्जियल रेज विच आर यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड पैरेक्जियल रेज होती है कि जिससे हम इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम हमारे पास दो इंसिडेंट रे होनी चाहिए, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे पास जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे वही हमें इमेज की लोकेशन देगा। तो हम आगे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में अच्छे से। पहले ये देखिए भाई, पहला जो स्टैंडर्ड पैरेक्जियल रेज है जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज, और अगर पैरेलल इंसिडेंट रे हो गई तो हमारे पास स्टैंडर्ड पैरेक्जियल रे हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने पहले भी बताया था जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पैरेलल रेज इंसिडेंट कराओ ऑब्जेक्ट से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब दूसरा देखिए भाई, दूसरा जो हमारे पास है ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमने एक रे जो इंसिडेंट रे वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद वापस चली गई। क्यों चली गई, यहाँ से देखो, अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट पे, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दोगे, तो यही तो नॉर्मल बन गया। और जो आपने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये जो इंसिडेंट रे आई इसका नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, आई अलोंग द नॉर्मल रही है तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल जीरो हो गया। तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस। हमेशा ध्यान रखना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जाती है तो टकराने के बाद अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। अब इसमें देखिए बेटा, ये जो हमारे पास है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, तो जो रेज यहाँ पे आई और टकराने के बाद वापस चली गई, देन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखिए बेटा तीसरा पॉइंट, पहले तो हमने क्या था कि जो पैरेक्जिल रे थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, अब ये इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि अगर एक हमारे पास इंसिडेंट रे आई फोकस से पास हुई, पास होने के बाद टकराने के बाद ऐसे पैरेलल निकल गई, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। और ये फॉलो भी होता है लाइट में, अगर मान लीजिए लाइट रेज पैरेलल आई टकराने के बाद फोकस से गई, तो अगर फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद पैरेलल जाएगी, और इस तरह से अपने पाथ को रिट्रेस करना इन द रिवर्स वे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसे। अब ये देखें भाई, ऐसे ही हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ किया है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या किया, एक जो लाइट रेज आई थी वो फोकस से जाती हुई अपीयर होती, टकराने के बाद किधर चली गई, पैरेलल। और ये फोर्थ जो देखिए हमारा स्टैंडर्ड जो इंसिडेंट रेज है,
एक लाइट रेज हमारे पास आई, सीधा पोल से टकराई एंगल थीटा पे, थीटा पे टकराने के बाद थीटा से निकल गई। तो जितने एंगल पे आई दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा ही होगा। नॉर्मल कौन सा होगा, मैंने बताया था किसी भी पॉइंट पे अगर मिरर पे नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। तो ये वाली जो लाइन है ना पी सी, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, एंगल कितना बनाया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी थीटा। क्यों बनाएगी, टू फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में ड्रा कर रखा है हमने। अब देखें भाई रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, हमारे पास छह पोजीशंस होती है कॉनकेव मिरर में जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड हम इमेज पोजीशंस निकालते हैं। तो देखिए भाई पहली पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। भाई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इन्फिनिटी पे कहीं है, तो यहाँ से जो रेज आई पैरेक्सिल रेज आई टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी, हमने पहला जो रिफ्लेक्टेड रेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज जो हमने पहला जो टॉपिक देखा था उसी, उसमें जो चार पॉइंट देखे थे हम उन्हीं का फ़ायदा उठा के इमेज फॉर्म करेंगे, उन्हीं में से कोई दो रेज इंसिडेंट करेंगे और वो जो दो रेज जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारे पास इमेज देगा। तो ये देखिए जो ये रेज आई टकराने के बाद फोकस से चली गई, अब हमारे पास दूसरी रेज और चाहिए हमें, तो दूसरी रे आप चाहिए तो ऐसे नॉर्मल कह लो गिरा दो टकराने के बाद वापस ही चली जाएगी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तीसरी रे और आपने डाल दी यहाँ से ऐसे पैरेलल टकराने के बाद ऐसे चली गई, तो ये जो पॉइंट है ये हमारी इमेज है, ये हमारी क्या है इमेज है, ऑब्जेक्ट किधर था फोकस पे। अब देखिए भाई ये तो ऐसे पैरेलल आई, अगर मान लीजिए किसी एंगल थीटा के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से रे जाए, जैसे कि ये हमारे पास मान लीजिए ये रे आई एंगल थीटा पे, प्रिंसिपल एक्सिस ये इसके साथ एंगल थीटा बनाते हुए रे आई, अगर ये रे हमारे पास ऐसे आई तो ये वाली रे देखिए ये ऐसे आई टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, और ये वाली जो रे आई ये हमारे पास सीधा पोल से टकराई, पोल से टकराने के बाद उतने एंगल पे वापस चली जाएगी, लेकिन ये दोनों रे हैं क्या, पैरेलल है। अब ये देखिए ये जहाँ पे इंटरसेक्ट की ये वाला ये पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा अभी भी कहाँ था इन्फिनिटी में, तो ये वाला पॉइंट, तो इमेज इधर आई, हमने लाइन ड्रॉ की एक ऐसे, यू कैन से दिस इज़ द प्लेन, और जो ये प्लेन है ये किधर से पास हुआ फोकस से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकल प्लेन में फॉर्म होगी। ये फोकल प्लेन कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन में कहीं भी पॉइंट आ सकता है, फोकस पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, रियल मतलब क्या है स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। अब देखिए भैया आगे जो दूसरा जो पोजीशन है वो देखते हैं, इसमें देखिए बेटा अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बियॉन्ड सी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इन डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, ध्यान से सुनिए, आप अपना कंपास लेंगे, पेंसिल लेंगे, स्केल लेंगे, शार्पनर इरेजर लेंगे। अब ये देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपास और पेंसिल की हेल्प से आपने एक छोटा सा पार्ट बनाया, ये इसका सेंटर मान के आपने, ये वाला सेंटर मान के, और आपने कंपास की हेल्प से एक छोटा सा पार्ट बनाया, इसको आपने पीछे की तरफ से पॉलिश किया, फिर आपने इस सेंटर और जो ये वाला जो पॉइंट है एक बीचों बीच ये जो लाइन ड्रॉ की है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला पॉइंट जो आपका हो गया ये पोल हो गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बिल्कुल मिड में आपने स्केल की हेल्प से एक पॉइंट लिया जो फोकस है, और फिर आपने क्या रखा इसमें, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड ऑफ सी, बियॉन्ड ऑफ सी मतलब सी से परे, तो हमने ऑब्जेक्ट इधर रखा तो हम इससे दो रेज इंसिडेंट कराएंगे, एक तो पैरेलल रे टकराने के बाद फोकस से चली गई, और दूसरी रेज हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, या किसी एंगल पर पोल से टकरा दो, या फिर आप फोकस से पास करा दो वो पैरेलल चली जाएगी। तो आप तीन में से कोई भी एक तरीका फॉलो करके, आपने हमने ये फॉलो किया भाई पोल पे डाल दी, पोल पे डालने के बाद जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चली जाएगी, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हुआ ये रेज आई थी इस टिप से, तो इसका मतलब इधर जो बनेगी वो टिप बनेगी, पहले ये टिप बना दी आपने प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया, ये आपकी इमेज आ गई। तो जो आप जब मेजर करेंगे तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म हुई, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, तो बिटवीन एफ एंड सी कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है ना, ऑब्जेक्ट तो ऐसे था एरो ऊपर था, इमेज का एरो नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटी है। ये आप एग्जैक्ट साइज आपको तब पता चलेगा जब आप विद द हेल्प ऑफ द कंपास स्केल और पेंसिल से करेंगे।
अब जो तीसरा पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, वेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रखने के बाद मैंने क्या किया, एक पैरेलल रे डाली आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई, दूसरी मैंने फोकस से डाली आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट की तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक ये इमेज बन गई। मैंने पाया कि ये जो ऑब्जेक्ट साइज़ था इमेज साइज़ था दोनों सेम है, तो आई इज फॉर्म डेट सी। ये हमारे पास ये जो मैं बोलता हूँ ना आई इज फॉर्म डेट सी, ये तो हमारे पास इमेज की पोजिशन हो गई, रियल है इन्वर्टेड है, ये क्या हो गई नेचर ऑफ इमेज हो गई, और ये जो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना ये हमारी साइज ऑफ इमेज हो गई। तो तीन चीज़ें हम देख रहे हैं भाई इमेज में, पोजीशन देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं। अब आगे बेटा क्या होगा कि हमारे पास ऐसे ही तीन पोजीशंस हैं, वैन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, और वैन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, और वैन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ये तीन पोजीशन आपको एज ए होमवर्क आपको प्लॉट करनी है विद द हेल्प ऑफ द कंपास पेंसिल और रबर शार्पनर इरेजर, और आपको इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। थैंक यू।